हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ई गन्ना ऐप के बारे में। तो सबसे पहले आप इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे मैंने कि इंस्टॉल करके रखा है पहले से, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और इसमें ये नेट के ज़रिए चलता है। इसमें आप जो है नेट ऑन करके रखिएगा, और जब आपका इस तरीके से कुछ इंटरफेस आएगा तो आप किसी नया यूजर अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इस प्लस वाले पर टिक करिएगा। फिर सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हमारा कुछ सर्वर दिक्कत कर रहा है, चलो आ गया है। इसके बाद खीरी, आप यहाँ पे, जैसे मैं खीरी में रहता हूँ तो मैं यहाँ पर लखीमपुर खीरी चूज करा ले रहा हूँ। और इसके बाद जो हमारा मिल है वो अजबापुर है। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं ऐड फार्मर के बाद में सर्च बाय नेम, तो हम सर्च बाय नेम पे टिक करेंगे। सर्च बाय नेम पे टिक करने के बाद दो ऑप्शन आते हैं, पहला विलेज और दूसरा फार्मर। तो सबसे पहले हम विलेज वाले पे टिक करके, माना कि कोई भी, जैसे मैं डाल देता हूँ, जैसे ये अमरौलिया करके लिखा हुआ कुछ, और फार्मर पे जाके किसी को रैंडमली मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे कंफर्म पे टिक करता हूँ। और कंफर्म पे टिक करने के बाद ये स्वतः ही अपडेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा नाम, पिता का नाम और सब इसमें आ गया है। अब आप कैलेंडर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो सबसे पहले आप देख रहे होंगे नेम वाले कॉलम के नीचे कैलेंडर का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर मेन कैलेंडर का ऑप्शन है, इस पर आप टिक करिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे टोटल पर्ची एक ही इनके लगी हुई है, और जो कि जारी हो चुकी, इनकी पर्ची भी निकल चुकी है। यहाँ से आप इस कैलेंडर को देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।